बीजेपी बोल रही है कि जुमला है। कल हम लोगों ने राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से जो योजना न्याय योजना की जो उन्होंने जिक्र की, मैं इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूँ और मुझे भी लगता है कि ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जुमला पार्टी जो है उसको अपना छोड़ करके सबका जुमला लगता है। अगर यही बात जुमला होती तो राहुल गांधी जी ने वादा किया था मध्य प्रदेश के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से, कि किसान का कर्ज माफ़ करने का काम करेंगे। 10 दिन का समय मांगा था लेकिन 2-3 दिनों में ही उन्होंने कर्ज माफ़ी करने का काम किया। बात ये समझने की ज़रूरत है, देखना सरकार के पास पैसा उद्योगपतियों को कर्ज माफ़ी या आप जो कहिए पैसा देने के लिए है लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। तो जो पैसा आप जो उनका माफ कर सकते हो हजारों लाखों करोड़ों में, तो ये जो न्याय योजना है कि 5 करोड़ परिवारों को यानी लगभग 5 गुना कीजिए तो 25 करोड़ परिवार लोगों को जो सीधे लाभ होगा, जो गरीब लोग न्यूनतम आय यानी इस देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसकी कमाई 12,000 से नीचे रहेगी, यानी कम से कम इनकम 12,000 रुपए की रहेगी रहेगी। मान लीजिए कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको पूरा मजदूरी नहीं मिल पाता है, मान लीजिए 6,000 कमा रहा है एक परिवार, तो उसका जो गैप जो होगा 12,000 करने में वो जो होगी न्याय योजना के तहत जो सबसे गरीब परिवार हैं, जो सबसे गरीब परिवार हैं 20% उनको जो है ये लाभ मिलेगा। तो हम तो इसका इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि बिहार के लोगों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होने का काम होगा। बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि सीधे सीधे इसको सबसे ज्यादा अगर किसी हिंदुस्तान में किसी राज्य को फायदा होगा तो वो बिहार राज्य होगा। रविशंकर।